Sir Bhupender Yadav, you please continue. Sammanya Upsabhapati Mahode. Is Sadan ne nayi shiksha niti par charcha karne ka jo prastav diya. Aur us prastav ko turant hamare mananiya mantri ji ne swikar bhi kiya. मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अभी तो नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट है और चूंकि नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट है तो क्या देश के राजनीतिक जनमानस में अगर कोई ड्राफ्ट आ जाए तो क्या इनपुट फॉर द ड्राफ्ट है 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 और उससे पहले की प्रारंभिक स्थिति है और चूंकि इसको मेरे को लगता है ये नहीं कहना चाहिए एक राजनीतिक संवेदनशील विचार के रूप में एक देश को बनाने की संकल्पना के रूप में एक देश में शिक्षा नीति कैसी बने उसके बारे में एक विचारवान और जागृत आदमी के रूप में सोचते हुए किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए कि इसको कबाड़ में फेंक दिया जाए ऐसा कहने से अगर हम अपना कोई लक्ष्य हासिल कर सकते हैं लेकिन एक लंबे समय के लिए देश के शिक्षा नीति के बनने के लिए जो विमर्श का कार्यक्रम हमारे माननीय मंत्री जी ने शुरू करा है जो एक व्यापक सहमति हम लोग चाहते हैं जो एक व्यापक विश्वास और विचार के आधार पर हम एक नई शिक्षा नीति जिसकी लंबे समय से देश को आवश्यकता है उस शिक्षा नीति को लागू करना चाहते हैं मुझे लगता है आने वाले समय में हम सभी उसमें अपना योगदान देवे ऐसे मन में विषय भी ना लाए कि इसको कबाड़ में फेंकना चाहिए और मैं जब ये जो ड्राफ्ट के जो इनपुट्स हैं इसमें प्रारंभिक रूप से यह है कि हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है वो आज भी ये बड़ी चुनौती है कि आम आदमी तक नीचे तक गरीब व्यक्ति तक सुदूर गांव तक जहां तक भी हमारे देश का समाज और भूभाग जहां तक है वहां तक शिक्षा के लिए पहुंच और उनकी भागीदारी ये सच है कि जनसंख्या का दबाव आधारभूत संरचनाओं की उसके दबाव के जो अनुपात में जो उपलब्धता है हमारे लक्ष्यों का अधिक होना इन सब के बावजूद हमको शिक्षा की पहुंच और भागीदारी समाज के हर वर्ग तक ले जानी है और ये शिक्षा नीति के मूल में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया हम इसका स्वागत करते हैं हम ये चाहते हैं कि इस पहल में सभी राजनीतिक दलों को और देश के सारे समाज और वर्गों को आगे बढ़कर के सुझाव देने चाहिए ताकि हम देश में जो लक्ष्य तय किया है उन लक्ष्यों को पूरा कर सकें दूसरा जो विषय है वो गुणवत्ता संबंधी विषय है कि शिक्षा की क्वालिटी क्या हो और इनपुट ड्राफ्ट में भी उस विचारों को सरकार ने आमंत्रित किया है क्योंकि पाठ्यक्रमों का हमारे यहां जबरदस्त दबाव है हमारे यहां मूल्यांकन में एक प्रकार की शिथिलता है आज अगर देखा जाए तो याद कर लेना और याद करने के बाद केवल एग्जामिनेशन में लिख देना उसके साथ मॉरल वैल्यू अपग्रेडेशन क्या कैसा हुआ उसके साथ शारीरिक शिक्षा विकास कैसा हुआ उसके साथ समाज के प्रति जो एक संवेदना का भाव होना चाहिए उसका विकास छात्र में कितना हुआ उसके साथ समाज में जो संसाधन है उनको सबको बांट करके रहना चाहिए वो भावना का विकसित हुई सामाजिक भावना का विकसित हुई और जो सबसे बड़ी बात मैं आज के समय में चुनौती मानता हूं कि जो जेंडर सेंसिटिविटी है हमारे साथ पढ़ने के लिए कोई छात्रा रहती है समाज में हम जाते हैं समाज में महिलाएं रहती हैं पुरुष और महिला एक दूसरे के प्रति समानता एक दूसरे को विचारों के प्रति आदर करना एक दूसरे के प्रति साथ रहते हुए एक अच्छी भावना से काम करना ये शिक्षा को हमें मौलिक जो जहां पे छात्र का विकास होता है उसके अंदर ये गुण विकसित करने पड़ेंगे और इसलिए गुणवत्ता दूसरा बड़ा विषय है और हमारे सामने चुनौती है तीसरा जो है वो देश में व्यावहारिक और प्रायोगिक शिक्षा की उपेक्षा है हम कहते हैं कि हम विज्ञान पढ़ाते हैं
लेकिन विज्ञान पढ़ाने का अर्थ केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है? क्या विज्ञान का अर्थ इनोवेटिव आइडियाज को? क्या विज्ञान का अर्थ देश में जिस प्रकार की आज हमें तकनीकी और वैज्ञानिक आविष्कार चाहिए उसके प्रति सोच को बढ़ाने के? हमारे लैबोरेटरीज कहाँ हैं? हमारे लैब्स कहाँ हैं? वो क्या आम जनता के साथ वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जितने हमारे देश में, इस देश में 250 बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हैं, उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है? तो केवल वैज्ञानिकता का अर्थ यह है कि विज्ञान की शिक्षा पढ़ ली और विज्ञान की शिक्षा पढ़ के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, तो विज्ञान केवल कैरियर बनाना नहीं है, विज्ञान एक जीवन दृष्टि है। उसका विकास हम एक दीर्घकाल में कैसा करें? और सबसे बड़ी बात है कि जो हम बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम लेकर के आते हैं, आखिर प्राथमिक शिक्षा में कोई उत्तर भारत में भी जो अच्छे पब्लिक स्कूल में जाने वाला बच्चा है उससे पूछो कि रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, आपके आसपास का वातावरण क्या है, आपके आसपास के क्षेत्र क्या है, आपके आसपास में कोई सामाजिक रूप से कोई लेबर बस्ती है क्या, आपके आसपास में किसी प्रकार का कोई ऐसा संवेदनशील विषय है क्या, आपके आसपास में कोई आज़ादी की लड़ाई में रहने वाले वीर वीरांगना है क्या, यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा क्या है, अपना भाषा का ज्ञान क्या है, अपने भाषा के शब्द क्या है, अपने भाषा के संबंध क्या है, इन सब विषयों को जो है हमारे पाठ्यक्रम को हमारे परिवेश से संबंधित होना चाहिए। कैरियर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन कैरियर का निर्माण बिना मूल्यों के साथ नहीं हो सकता है। अगर बिना मूल्यों के आगे कैरियर निर्माण है, जो मानव संसाधन का निर्माण है, तो मानव संसाधन का निर्माण केवल इसलिए नहीं है कि कोई अच्छी नौकरी पा जाए, वरना आज के समय में जितने सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है, और कई बार ये चिंता होती है कि हम कई बार ऐसे नौजवान तो खड़े कर लेते हैं जो भीड़ में खड़े होकर के कोई उपद्रव पैदा कर दे, शहर बंद कर दें, लेकिन माइक पर आकर के अपने कोई सहयोगी छात्र छात्रा के बारे में, समाज के किसी विषय के बारे में, किसी विचार के बारे में 10 मिनट तक कोई बात कह सकते हैं क्या? हम किसको निर्मित करना चाहते हैं? हम भीड़ की मेंटेलिटी को निर्मित करना चाहते हैं या अच्छे विषय और विचारों का संप्रेषण कर सकें उन लोगों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये बहुत सच है कि हमारा देश बहुत विशाल है, हमें इस चुनौती से भी अस्वीकार अपने आप को नहीं करना चाहिए कि विषमताएं भी बहुत ज्यादा है। आपको सेम लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देना होगा और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन उन चुनौतियों को हमें पहचानना होगा कि एक जो सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो पढ़ने वाला बच्चा है और एक शहर में पढ़ने वाला बच्चा है, दोनों के समान संस्कार का विकास तो करना होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही हमको सब जगह पे देनी होगी। और इसलिए जो सबसे बड़ी बात है, मेरा अब भी मानना है कि शिक्षा में सबसे पहले अगर ज्यादा ध्यान देना होगा तो प्राथमिक शिक्षा पे देना होगा। यह प्राथमिक शिक्षा केवल शिक्षा मित्रों के भरोसे, केवल अस्थायी शिक्षकों के भरोसे, केवल एक एडहॉक एक्टिविटी मानकर के प्राथमिक शिक्षा को नहीं किया जा सकता। प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों में जो प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक हैं, उनकी तैयारी कैसी है, बार बार उनका ओरिएंटेशन कैसा है, दुनिया में जो नया ज्ञान विज्ञान जो प्रयोग आ रहा है उसके बारे में उनकी अवधारणा क्या है, जो सिविक सेंस है उसके बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है। और इसलिए एक पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे के सिलेबस में लिख देना कि किसने ओलंपिक पदक जीता, कौन प्रमुख न्यायाधीश है, इसकी कोई प्राथमिक कक्षा के बच्चे को आवश्यकता नहीं है। उसके आसपास का परिवेश क्या है, उसका भाषा ज्ञान कैसा है, उसका गणित के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन प्रैक्टिकल आधार पर, जब तक हम विज्ञान को कहानियों कविताओं के माध्यम से सामाजिक ज्ञान के रूप में नहीं पढ़ाएंगे, जब तक प्राथमिक शिक्षा हमारी संस्कारी नहीं होगी, तब तक हम शिक्षा क्षेत्र में कोई बहुत बड़े परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। और इसलिए एक जो विषय कर दिया है, ये ठीक है कि तीसरी से पांचवी क्लास तक के बच्चे को आप पास कर सकते हैं,
लेकिन आप पांचवी क्लास के ऊपर के बच्चों को अगर आप कहो कि नहीं आप सब पास होते हुए चले जाओगे तो हम एक कोई बहुत बड़ी मजबूत नींव को नहीं रख सकते। उस मजबूत नींव को रखने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे को उसके ऊपर एक पूरक परीक्षा का अवसर देना चाहिए, उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। ये पांचवी के बाद जो एकदम सीधा पास करने का विषय है, ये कुल मिलाकर के उस नींव को खराब करने वाला विषय है। सरकार की ड्राफ्ट नीति में काफी सारे विषयों पे सुझाव दिए गए हैं और इसलिए जिस प्रकार से पांचवी तक कम से कम केवल शिक्षा नहीं है, एक घंटे का खेल भी अनिवार्य होना चाहिए और छठी क्लास से दसवीं क्लास तक एक ना एक सोशल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। ये हमारी बुनियाद है। इस बुनियाद को अगर हमने सोच लिया कि केवल छठी से दसवीं तक क्लास में रटना, रट के अच्छे नंबर ले आना, 90% ले आना, तो दसवीं के बाद हम दे क्या रहे हैं? दसवीं के बाद हम केवल कोचिंग क्लासेस में जाने वाले कोचिंग के बच्चों के लिए प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। और इसलिए पांचवी से दसवीं तक जो मेरा ये मानना है कि सामाजिक कार्य को जरूर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जो ग्यारहवीं बारहवीं की जो शिक्षा है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। हम सब जानते हैं ग्यारहवीं बारहवीं में आज के समय में आईटी का इतना बोलबाला है कि बच्चे इंटरनेट पे पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं। जानकारी के मामले में वो शिक्षक पे निर्भर नहीं है ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चे, लेकिन उसको फिर भी शिक्षक की सहायता चाहिए विषय को समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात है ये जो इतनी ज्यादा जानकारी है उसमें जो ग्यारहवीं बारहवीं के बाद जो आजकल सबसे बड़ी चुनौती है कि असफलता के भय से बच्चे आत्महत्या करते हैं। कोटा के उदाहरण हमारे सामने। असफलता किस बात की? अभी तो जीवन शुरू नहीं किया। असफलता किस बात की? अभी तो जीवन में संघर्ष और चुनौतियों के अवसर ही नहीं है। अभी तो केवल विद्यार्थी हैं, अभी तो सीखने की प्रक्रिया में है। वो इसलिए कि हमने बचपन से खेलने को ध्यान नहीं दिया, सामाजिक जीवन के बाकी लोगों का कहाँ, हम जो शिक्षा ले रहे हैं किस सामाजिक परिवेश में बाकी लोग रख रहे हैं, हम उस सामाजिक सेवा के परिवेश को हमने नहीं लिया। और केवल एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर आने के बाद हमें लगता है अगर ये कैरियर नहीं बना तो क्या होगा। कैरियर नहीं बना तो भी ये जीवन है, इस जीवन के मूल्य है, समाज के लिए जीवन है। और इसलिए जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन है, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन के बाद सब तरह के एग्जाम हैं, लेकिन जो हमारा शोध का काम है, रिसर्च का काम है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन से शुरू होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाने के लिए एक बहुत ही पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाने से पहले एक परीक्षा होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में सेलेक्टेड एडमिशन हमारे को होना चाहिए और इसलिए उच्च शिक्षा को हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ाना होगा। हम सब ये जानते हैं कि ये जो आज के समय में जो विश्वविद्यालय का वातावरण है, इस विश्वविद्यालय के वातावरण में हम जानते हैं कि विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन तो सीखे पर उनका बहकावे में उनको लाने की कोशिश ना करें। एक्सक्यूज मी, यू हैव गॉट फोर मोर स्पीकर्स इन योर। यस सर, ओनली 3 मिनट्स। स्वतंत्र चिंतन तो सीखें, हम उनको केवल संदेही बना दें, हम उनको केवल शंकालु बना दें और ये आलोचना का एक आदत पैदा कर दें, उससे निकाल के एक नए विचार वाले विद्यार्थियों को हमको खड़ा करना होगा। और इसलिए शिक्षा के बारे में आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंद ने जिस मूल्यों के साथ राष्ट्र स्वाभिमान खड़ा किया, आज शिक्षा में उसकी जरूरत है। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान के मौलिक विषय के प्रति जो घटती हुई रुचि है वो हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है और इसलिए सरकार जो नई शिक्षा नीति लाई है उस नई शिक्षा नीति में समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के और उसमें प्रतिस्पर्धा करने के अवसर बढ़ने चाहिए। मूल्यांकन में लचीलापन और शिक्षा में भ्रष्टाचार, इसके लिए निश्चित रूप से हमें कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। और जो पूरे शिक्षा के माहौल में सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम की आवश्यकता है,
हम हमेशा ये मानते हैं कि जो मानसिक श्रम करता है वो श्रेष्ठ होता है और जो शारीरिक श्रम करता है वो शायद कमतर होता है। ये मानसिक और शारीरिक श्रम का जो जीवन में जो बिल्कुल एक संतुलन है उसका आधार बनना चाहिए। और शिक्षा में जो अनुत्तीर्ण है, जो फेल हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए परीक्षा और मूल्यांकन को सरल बनाना नहीं बल्कि उनकी मानसिकता को समाप्त करना है। ये हमारे नौजवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए केवल जिसने कागज पर अंक ले लिए, जो पेपर पे नंबर ले आया, वही सफल है। उस मानसिकता को भी हमको तोड़ना होगा। और इसलिए हमारा जो सर्वोत्तम जो शिक्षा के द्वारा हम उपयोग कर सकते हैं कि एक आनंदपूर्ण जीवन जीते हुए अपने जैविक और अजैविक पक्षों का सहयोगी बनना है, सभी रुचियों का सम्मान और स्वस्थ प्रवृत्तियों का उदय, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए। और इसलिए मैं अपना विषय यही कह के समाप्त करना चाहूँगा कि आज हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इस चर्चा को इस उच्च सदन में जिस प्रकार से स्वीकार किया है, हम सभी सकारात्मक रूप से देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था कैसे बने, सबकी पहुंच और भागीदारी तक शिक्षा कैसे बने, गुणवत्ता वाली कैसी शिक्षा बने जो हमारे नौजवानों में नकारात्मकता को निकाल के सकारात्मकता के भाव को पैदा करे, और ये जो इनपुट ड्राफ्ट आया है इसमें बहुत अच्छे सुझाव आएंगे। और मेरा मानना है कि सरकार सभी सुझावों को बड़े अच्छे तरीके से स्वीकार कर रही है। लेकिन मैं एक विषय और कहना चाहूँगा कि सुबह जो है हमारे तिरंगे में भी है, कोई भी जो रंग होता है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सूरज को जो देखता हूँ तो सूरज की लालिमा का भी वही, सूरज का जो प्रकाश होता है उसका भी वही रंग है। हमें व्यापकता को, हमें उस विराटता को महसूस करना चाहिए जो व्यापकता और विराटता हमारे जीवन को विकसित करती है। उसमें हरा भी है, उसमें सफ़ेद भी है। इस देश में अगर सबसे बड़ा रंग है तो तिरंगे का रंग है। ऐसी शिक्षा बने, आपने नहीं करी, आप तो बैठ जाइए, आप बैठिए ना। जिन्होंने करी उनके लिए करा, वो चले गए, जिन्होंने करी वो चले गए। और इसलिए ये देश तीनों रंगों से बनता है। और हमारी शिक्षा ऐसी बने जो हमारे तिरंगे को ऊंचा करे, और उस सब में हम लोग थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।